जैसे ही नीचे उतरा तो एक बंदा था, उसने आवाज लगाई कि क्या कर रहे हो ना? आज मैं निकला हूँ इस खतरनाक जगह को देखने, जहाँ खौफ और वहशत का साया कभी नहीं हटता। Is it safe? Close. The doctor close. Everything is now closed. We look nobody here. Look, nobody. You do now. Nobody, no customer. On your hair all the time. Good business. इसनी किसी घोस्ट टाउन में आ गए हैं, मतलब डरावना डरावना लग रहा है हर चीज का। ये इस तरह से है हालत हर जगह पे। आज हम जान जोखिम में डाल के ये काम कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त फिलाडेल्फिया में। ये फिलाडेल्फिया जिसने अमेरिका को जन्म देने वाले शहरों में शामिल होता है, और इसकी बहुत बड़ी रिच हिस्ट्री है, तारीखी शहर है। लेकिन इसका एक और पहलू ये है कि यहाँ ज़ोंबी सिटी इसको कहा जाता है, जहाँ लोग जो है ना जिंदा लाशों की तरह चलते हैं, सुन्न होते हैं, और नशे की वजह से इस शहर में बहुत ज़्यादा जो है ना कुछ क्राइम भी है। और मतलब कि आप जब हालात देखेंगे लोगों के तो आपको हैरत होगी, और यहाँ उतर के वीडियो बनाना ख़तरे से खाली नहीं है। हम जा रहे हैं इस वक्त कैंसिंगटन स्ट्रीट में, जहाँ इस तरह के हालात हैं कि लोग सड़कों पे पड़े हुए होते हैं, नशे के आदि हैं और ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, और इस ड्रग की वजह से यहाँ क्राइम भी होता है, और वहाँ अगर कोई उतर के फिल्म बना ले तो उसकी जान भी जा सकती है। तो हम एहतियात के साथ सब कुछ करेंगे, कोशिश यही होगी कि एक ये वाला पहलू जो डार्क साइड है वो भी आपको दिखा दें। तो 3-3.5 घंटे का सफ़र करके हम यहाँ पहुँचे। यहाँ के घर इस तरह से हैं, और आप देख रहे हो घरों को जालियाँ दी हुई हैं, बाहर दरवाजे छोटे छोटे लगे हुए हैं। तो यहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के अंदाजे जो है ना इन्हीं घरों के बाहर लगी हुई जालियों से लगा सकते हैं हम। ये वाली आ गई स्ट्रीट, ये तो एवेन्यू है पूरा, कैंसिंगटन एवेन्यू। हम इसके अंदर आप देखेंगे ये लोग अभी से ही नज़र आना शुरू हो गए हैं, ये देख रहे हो आप, ठीक है ना। अब आपको यहाँ सीन जो नज़र आएंगे ना वो बड़े मतलब अजीब किस्म के होंगे, और आप ये देख रहे हो इनको कहते हैं ज़ोंबी। ये एक ऐसा नशा है जिसके बाद कोई पता नहीं चलता, और इंसान अपने आपे से निकल जाता है। यहाँ तो ट्रैफिक भी नहीं रुकती। अच्छा, वो ये देख रहे हो हवा बन के जा रहे हैं लोग। अब ये वाली ख़तरनाक जगह है, और हमें यहाँ एहतियातन काम करना पड़ेगा। इस ब्रिज के नीचे ऊपर मेरे ख़्याल में ट्रेन जाती है, और नीचे ये लोग इधर होते हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ या तो ड्रग पेडलर होते हैं, या फिर ये नशा करने वाले होते हैं। देख रहे स्टोरों के ऊपर कितने ताले लगे हुए हैं, सबके सब जो है ना कारोबार यहाँ ठप हो चुका है, लोगों का बंद करके चले गए हैं। यहाँ जिस तरह की छीना छपटी और क्राइम है, तो इस जगह पे मोस्टली स्कोर ये स्टोर आपको बंद नज़र आ रहे हैं, और इक्का दुक्का खुले हुए हैं। ऊपर भी देखें, उन्होंने खारदार तारें लगाई हुई हैं ताकि चीना छपटी करने से बचाया जा सके। और ये वो शहर है जहाँ एप्पल स्टोर से
बड़े पैमाने पर जो है ना उस पर हमला हुआ था और फ़ोन वगैरह छीने गए थे। तो हम इसी स्ट्रीट में हैं और इस वक्त बहुत सारी सफाई हुई है, लेकिन जैसे जैसे हम करीब आएंगे ना, किसी कचरा कंडी के करीब आएंगे, कचरा कंडी के करीब जो है ना सिर्फ सिरिंजें पड़ी हुई मिलेंगी हमें। कम उम्र के बच्चे भी जो है ना यहाँ नशा करते हुए नज़र आ रहे हैं, सारे नशे में पड़े हुए लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं किसी वक्त भी। ये देखें कितना, जैसे अपना कराची हो या किस तरह से हमारे अपने और शहर हों, या इंडिया के आप शहर देखें जिस तरह से कचरे फेंके हुए होते हैं, किसी और शहर में इस तरह से कचरा नज़र नहीं आता जितना यहाँ नज़र आ रहा है ना। दरवाज़ों को देखें, इस इतने सारे इन्होंने दरवाज़े लोही जंगले लगाए हैं घरों को कि मतलब इसी से अंदाज़ा हो जाता है भाई थोड़ा सा एहतियात करें। ये देखें नज़र आ गई, ये है ज़ॉम्बी। नीचे हम जैसे उतरे हैं तो दो तीन लोग देख रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में गाड़ी में बैठना ही सेफ है। चाची वो बंदा जो है ना मॉनिटर कर रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, बंदा पीछे से आवाजें दे रहा है ना मुझे। हाँ? क्या कर रहे हो? अच्छा हाँ, हालत देखें यहाँ। होए 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 गलियां भरी हुई हैं यहाँ, इनके टोले खड़े हैं और ये सब वो हैं जो यहाँ इनके सप्लायर हैं। आप सामने देखें ये सब आपको जो ना मुंह छुपाते हुए नज़र आएंगे, कुछ ड्रग सप्लायर हैं, कुछ क्या हैं, तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है। अब आपको देखें टोलों में मिल रहे हैं आपको, ये देखें टोलों में मिल रहे हैं आपको, टोलों में एक दो बंदा नहीं है, पूरी स्ट्रीट भरी हुई है। और आगे बंदे ने बोला कि उतरना नहीं कहीं जगह पे। मैं कर लेता हूँ इधर, आप ऐसे करें, खड़ी करें, मैं किसी तरह से छुपा के नीचे जा रहा हूँ। आपको मास्क नहीं, ये मास्क नहीं पहनना चाहिए ना ये। हाँ क्यों? ये नहीं, ये आपको अट्रैक्ट करता है कि आप योर सस्पिशियस। ये होए 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 होए, ये आप देखें भाई पीछे लगा रहा है अपने आप को। अब ये बिल्कुल ज़ॉम्बी बन जाएगा, जिंदा लाश। और ये आपकी सिरिंज हाथ में देख रहे हो, यहाँ ये इसको लगा रहा है। ओए ओए ओए, ये देखें बिल्कुल भाई सुन,
ये अभी इंजेक्शन लगा रहा है खुद को, और ये इनकी ऐसी हालत है जैसे इंसान को कुछ पता ही नहीं है, जैसे जिन्नात हो या कोई एक नहीं होते कि बदरुए हो ना या चुड़ैले हो, इस तरह से ये बिहेव करते हैं। और पूरी की पूरी स्ट्रीट में कोई इक्का दुक्का नहीं है, 20-25 लोग जो है एक एक साथ में इंजेक्शन ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं। मैं जैसे ही नीचे उतरा तो एक बंदा था, उसने आवाज़ लगाई कि क्या कर रहे हो ना, क्योंकि उतर के और कैमरा हाथ में हो तो मोबाइल छुपा के ही उतरा, लेकिन उसके बावजूद मतलब उसको अंदाज़ा हो गया कि ये कुछ कर रहा है। और यहाँ रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सेफ़ नहीं है। शाह जी क्या लग रहा है आपको, कैसे सेफ़ है या डेंजर जोन है? बहुत डेंजर। रियली? आप पता नहीं पहले आए हैं इधर? तो बस तब पास। और लग रहा है कैसे लग रहा है, देखो कैसे इंसानों की जो है ना आबादियाँ हैं यहाँ, देखें भूत बंगला लग रहा है बिल्कुल। अभी हम इनकी गली में आए हैं एक जगह पे, और यहाँ भी आप बहुत पुरानी जगहें देख रहे हो, लकड़ी के इसके सारे दरवाजे और ये बने हुए हैं बाहर का स्ट्रक्चर तो ख़त्म होने पे है। और ये जंगले लगे हुए हैं ना, आप जंगले देखें कितने जंगले लगाए हुए हैं इन्होंने, पूरा जेल बनाया हुआ घरों को, क्योंकि ये ख़तरनाक एरिया है और यहाँ इन्होंने इस तरह से घरों को सेफ रखा हुआ है। ये गलियाँ आप देखें ऐसे हो रहा है जैसे खौफनाक, एक खौफ आ रहा है इंसान को अंदर से ही कि यार इधर लोग रहते कैसे होंगे, स्पेशली ये वाले तो ठीक है आदि हो गए हैं, हम जैसे बंदे तो नीचे उतरते ही भाई पहचाने जाएंगे। ओंटारियो स्ट्रीट है और इधर जो है ये घर आप देखें, ये देखें जंगली घरों के। आवाज़ दे रहे, चलो चलो आगे करो भाई ये रिकॉर्डिंग। ओए 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 सर जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जो हाथ में पेन पेपर लगा के या मोबाइल पे हिसाब किताब किस चीज़ का कर रहे हैं, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने अभी भी देखो ना, हर जगह पे कोई एक बंदा है जिसके हाथ में नोटबुक है। एक का मैंने दिखा था हेल्पलाइन का ना। अच्छा तो एक पे लिखा होता है हेल्पलाइन, सही है ना? अच्छा मैं बड़े खतरनाक तरीके से ये कर रहा हूँ। यहाँ आप इंजेक्शन है देखें, और आगे भी बहुत सारी इंजेक्शन है। ये तो पूरा सिटी है, ये देखें। ओए 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 चले आ जाए। अभी हम नीचे उतरे हैं, कोशिश करेंगे क्योंकि हमें उन लोगों से ज़्यादा जो है ना मसला हो रहा है जो लोग हमें देख रहे हैं। इनके जो होश वाले लोग हैं ना, जो होश में हैं, वो बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आवाज़ें दे रहे हैं, नज़र रख के बैठे हुए हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो हमने एक जगह पे रोका है, कोशिश कर रहे हैं कि हम जाएंगे आगे। मोबाइल की तार चाहिए तो हम PNP में एंटर हो जाएंगे।
It's a different experience. ये देखो ना, ये सिरिंजें पड़ी हुई हैं, फिर ये वाली भी पड़ी हुई है ना, ये सारी people not like that. My country not like that. So we can open a shop here or not? Is it safe? Close, the doctor, close. Everything now close. We look nobody here. Look, nobody. We do now, nobody, no customer. Only hair all the time. Good business. Oh, wow. Oh, no, you're late. She home? Yeah, she home. Yeah. Tell her I say hi. She home for like a month. Yeah, good. Tell her I hope you feel better, my friend. I got you. I got you. Is it safe to walk here? No. No, right? Yeah, you know, before we open, in the morning, 8 o'clock, 7 o'clock, until 1 o'clock, now no more. Now we open 11 o'clock, we close 5 o'clock. It can't look like we go to work, no money. How much you pay the rent? No, we own the business. We own the whole building. Next floor up there before we have bingo hall. But after casino, open to kill the bingo. So how many years this is happening? They like that, like a 4 or 5 years. Four or 5 years. Before? You see night clean, tomorrow make a man. Because the city, we pay extra $500 clean. Oh. $500 extra, they don't care. You say no vehicle need to be parked. The vehicle is if they see you. Care. I record the police every day. They come, yo, wake up, move. That's it? They say, my leg hurt, how can I move? So, my ass no good, my leg hurt, how can I move? You want to kill me? Go ahead, kill me. I take the code. How about the sentence? Oh, they keep them drug free. Government did it. You can't treat like that? No. They kill them. Never seen it. If I steal, अभी हम जो है ना छुपा छुपा के सब कुछ कर रहे हैं भाई, बहुत खतरा है। बड़ी हिम्मत करके शाहजी ने भी और मैंने भी दोनों नीचे उतरे हैं, लेकिन अब हमारे पे बहुत सारी नजरें हैं।
तो ये सूरत हाल है भाई इस जगह पे, और हालात इतने ख़राब हैं कि नौजवान, मतलब कि बिल्कुल आप समझो ना कि 15-16 साल के और 17-18 साल के, वो सब के सब इसमें मर्द में मुब्तला है। ये वाली जगह है जो है ना, ये बिल्कुल वो उसी इंजेक्शन का है, ये जो आप देख रहे हो ऑरेंज टाइप का, ये उसी का ही हिस्सा है जहाँ मतलब केप है उसकी, इंजेक्शन की जो निकाल के लगाते हैं। यहाँ मोहल्ले पार्क सब भरे हुए हैं, ये देखो पार्क का हशर इन्होंने कैसे कर दिया है, और ये सब ज़ॉम्बी हैं। ओए कोई होश नहीं इनको, आज हम जान जोखिम में डाल के ये काम कर रहे हैं, और बिल्कुल हमें भी पता है कि एहतियात करना है, लेकिन माशरे को भी नॉलेज देनी है कि यार इस चीज से निकलें, अगर हमारे क्रिस्टल हम आइस हमारे पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है, इंडिया में सब कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, ये नशा किस तरह से लोगों को तबाह कर रहा है। आप थोड़ा सा एक मिनट के लिए सोचें कि यहाँ नौजवान लड़कियां, नौजवान लोग ऐसे बेयारो मददगार पड़े हुए हैं और नशे की लत में, ये सारा दोनों नशे करते हुए जा रहे हैं। और स्ट्रीट आप देखें इधर की, तो ये सारी स्ट्रीट्स आपको कचरे से भरी हुई, और इसमें ज्यादातर नशा ही होगा। अब वहाँ जो है ना एक पिंक कलर का था ना या रेड कलर की कैप पड़ी हुई थी, ये सारी की सारी उस इंजेक्शन की हैं जो बड़ी खतरनाक है। उसके बाद इंसान को होश ही नहीं रहता कि ये कर क्या रहे हैं। आप देख रहे हो सोए हुए लोग हैं और इनको पता तक नहीं है कि हम कोई इनसी हरकत कर रहे हैं। और ये इंडियाना स्ट्रीट है, और इसके साथ यहाँ इन पड़ोस को आप देखें, मुकम्मल आपको वीराना नजर आएगा। ये पार्क है बहुत बड़ा, लेकिन ये पार्क में भी नशे वाले लोग हैं, तो हम चक्कर लगा के दिखा रहे हैं आपको। और ज़ोंबी जो है ना, उसका मतलब ये कि बिल्कुल उनके, आप समझे, सिर्फ रूह है, सांस चल रही है, बाकी उनको कुछ पता नहीं है, बस जिंदा लाशें हैं ना। अब आप देखें इधर कोई घरों को, आप इससे अंदाज़ा करेंगे भाई किसी के पास इतना बड़ा दिल होगा कि यहाँ रहेगा, बाकी हम तो तौबा। और हर जगह पर इस तरह से टोलियों में नौजवान नज़र आ रहे हैं, पूरी पूरी स्ट्रीट्स जो है ना नशे के लत में लगी हुई लोगों से भरी हुई हैं। ये आप देख रहे हो, इसको कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है, कुछ भी इसको होश नहीं है, और इनको अंदाज़ा ही नहीं है, कुछ भी इसको होश नहीं है, और इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। बिल्कुल इसको आप इसके कपड़े देखें, उम्र देखें, और इसका जो है ना आप हुलिया देखें कि कोई बंदा खड़ा भी है, इसको कोई पता नहीं है। ये है ज़ोंबी, इसको कहते हैं जिंदा लाशें। अब ये गिरता जाएगा, इसको फिर पता ही नहीं चलेगा 4-5 घंटे तक। ये जिंदगी है, इस जिंदगी के बारे में आप सोचें, ये इस तरह से है हालत हर जगह पे। अब इनको हम बोल रहे हैं, हम खड़े हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, बस नशे की उसने इंजेक्शन लगाई, नशा लिया और यहाँ चलता चलता आया, अब इसके बाद ये चल नहीं पाएगा। तो हर जगह पे इसी तरह की कहानियां हैं, इसी तरह के लोग हैं, इस तरह की सारी सूरत हाल है। ये सब अभी नशा करेंगे, फिर यहीं सोएंगे, यहीं करेंगे। ये वाला भी देखें ज़ोंबी हो गया, ये वाला, इसको भी कोई पता नहीं है, ये अभी आग जलाएंगे। ये वाली हालत देखें, जैसे स्कूल में मुर्गा बनाते थे ना, इस तरह से मुर्गे बने हुए हैं सब। आगे वाले की हरकतें देखें आप, ये सामने गलियां भरी हुई हैं लोगों से,
नशे के लोग, मतलब जो यहाँ कारोबार कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं भाई हम तो फंस गए हैं, 80% यहाँ से ऊपर जो है ना दुकान बंद है, 80% से ऊपर, और ये पूरी स्ट्रीट यहाँ भी लोग इस तरह से पड़े हुए हैं। मतलब इस तरह का मंज़र किसी अमेरिका के और शहर में शायद एले में हो तो हो, बाकी कहीं नज़र नहीं आया जो यहाँ हमें नज़र आ रहा है, और फर्स्ट टाइम हम खुद यहाँ आए हैं देखने इस चीज़ के लिए। तो रोज़ इस तरह की चीज़ें होती हैं, कोई मर जाता है पता तक नहीं चलता, फिर बस उसको उठा के और फेंक दो। तो नशा इस शहर में जिस तरह के ये हैं, और ज़ोंबीज़ हैं ये, ज़ोंबीज़ ये इस मतलब जवान लड़कियाँ, जवान लड़के, नौजवान और सब के सब इसी मर्द में मुबतला हैं, इसी मर्द में। अब वो इंजेक्शन भी लगा के जा रही है और उसके साथ ये करती जा रही है, नशा भी करती जा रही है। शाह जी ऐसा मंज़र कभी देखा अमेरिका में आपको भी? बोरा। और ये जो लोग हैं ना हुड पहने हुए हैं और ये सब कुछ इस तरह के नौजवान हैं जो दूसरों पे नज़र रखे हुए हैं। चलें भाई, ये देख लिया उसने बंदे ने, ये दोनों जो है ना ख़तरनाक है ना, उसने उसी टाइम पे नोट कर दिया। तो मैंने कैमरा ना नीचे कर दिया, मैंने कहा यार छोड़ो खामा का क्या करें ना। तो ये फिलाडेल्फिया की स्ट्रीट्स जिसको ज़ोंबी सिटी कहते हैं, ज़ोंबी लाइक सिटी। तो ये सूरत हाल है, इक्का दुक्का ये इस जो है ना खुले हुए हैं, लेकिन इसने भी पूरी जालियाँ देखें ना हर तरफ लगाई हुई हैं, शीशे के अंदर जालियाँ लगाई हुई हैं, ये स्टोर जितने भी हैं सब के सब बंद हैं। तो इतनी ख़राब सूरत हाल है। तो यहाँ प्रॉपर्टी बिल्कुल जो है ना डाउन है, अगर आपको सस्ते में सस्ता भी घर चाहिए तो इस जगह पे मिलेगा, लेकिन कोई भी बंदा इधर रहने के लिए तैयार नहीं है। और हमें तो कोई देसी भी अभी तक नज़र नहीं आया। उमूमन जो सेल फोन स्टोर हैं, दूसरा कारोबार है, वो देसियों के पास होता है, लेकिन इधर भाई कोई हमें अपना पाकिस्तानी या इंडियन इस तरह का नज़र नहीं आया अभी तक। और सब जो है या तो एक जैसे वियतनामी था, वो उसने कहा कि ये पूरी इमारत हमारे पास है, हम तो $500 देते हैं सिर्फ कचरा साफ़ करने के लिए। 4-5 साल के अंदर अंदर ये सूरत हाल हो गई है फिलाडेल्फिया की। ये हालत है, ये जो हम नीचे उतर के दिखाया था ना, ऐसे पड़े ना जिंदा लाशें पड़ी हुई हैं बस। ये इंजेक्शन तैयार करके लगाने के लिए बैठा हुआ है बंदा। ये है डार्क साइड, ये है अफसोसनाक पहलू जो इस शहर का है, इस शहर में नज़र आता है। ये देखा ना पुलिस आई है इनके पास, ये कराओ रजिस्ट्री। हमें फील है कि सेफ है, लेकिन सेफ नहीं ये भी। और इस मकसद इसका दिखाने का ये है कि हम नौजवान नस्ल को थोड़ा आगाही दें कि भाई वो इस नशे की लत से दूर रहें, और वरना इस तरह से तबाह हो जाएंगे। यहाँ फायरिंग भी होती है, लोग जो है दूसरे जो ड्रग माफियाज हैं वो फायर करके भाई ज़ख्मी या कत्ल भी कर देते हैं, तो बड़ा ख़तरनाक पोजिशन में खड़े हैं। और यहाँ आने का मकसद ये था कि ये वाली जो साइड है ना ये भी आपको दिखा दें। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और फिर मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई? ज़्यादा खड़ा रहना यहाँ मुझे जो है ना सेफ़ नहीं लग रहा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।